कर लेते हैं 4 अगस्त के फिजिकल वाले के। देखो दोस्तों से आपकी बात कराता हूँ कि अंदर इनके साथ फिजिकल किस तरीके से दे के आए हैं ये, और क्या क्या प्रॉब्लम अंदर सामने आई हैं, इनकी जो परेशानी आई है वो आपको सबको बताएंगे, और ग्राउंड की क्या स्थिति है बारिश के कारण जो ग्राउंड की परेशानी चल रही थी। तो दोस्तों से बात करते हैं, पहले बात करते हैं कि भाई है कहाँ से। तो दोस्तों पहले तो आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर, मैं सुल्तान चौधरी, आप देख रहे हैं रनिंग लॉन्ग जंप ट्रिक एंड हेल्थ फिटनेस। तो दोस्तों बात करते हैं, आप बताइए आप कौन से स्टेट से हैं और अपना नाम बताइए। मेरा नाम महेंद्र मीणा है और मैं MP का रहने वाला हूँ, मंदसौर जिले से, MP में मंदसौर। आप सर? मैं MP से हूँ, उज्जैन से, हिमांशु रानिया नाम मेरा। अच्छा आप भाई? उज्जैन से ही सर, तरुण धगड़ नाम है और हम उज्जैन MP से रहने वाले हैं। यानी कि MP से ही हैं सारे, चारों बंदे MP से हैं। और भाई आप भी हो जाओ इधर, आप कहाँ से? MP नीमच जिले से। MP, तो यानी कि ज़्यादातर स्टूडेंट आज जो है MP के ही हैं यहाँ पे, फिजिकल जो हैं 90%। तो दोस्त पहले मैं बताना चाहूँगा आपके जो पहले नंबर और कैटेगरी बताइए, क्यों नंबर और कैटेगरी को लेकर परेशान है, उसी के हिसाब से मेरिट बनने वाली है। तो दोस्तों नंबर और कैटेगरी के साथ में OBC कैटेगरी और 65 नंबर है। अच्छा OBC 65, OBC 72 नंबर है, 72 नंबर, बहुत बढ़िया। SC 56, OBC 70 नंबर। दोस्तों नंबरों की बात हो गई और कैटेगरी की बात हो गई भाई से, तो बात कर लेते हैं कि भैया के कौन कौन से ग्राउंड में था आपका जो शुरू में जो आपका जो रनिंग की आज हुई है, क्या रनिंग पहले हो चुकी थी? रनिंग पहले हो चुकी थी 27 तारीख। तो लॉन्ग जंप में क्या रहा आपका जो अंदर रिजल्ट? फर्स्ट बार में लॉन्ग जंप हाई जंप सब क्लियर कर लिया। सब क्लियर। होम ग्राउंड पे कितने लॉन्ग जंप लगा और यहाँ पे कितना था? घर पे तो ग्राउंड नहीं था तो खेत में लॉन्ग जंप लगा देते, 13-13.5 आता था, यहाँ पे हमने 14-14.5 ऊपर मारा। 14.5 ऊपर है, यानी कि जो भी स्टूडेंट आ रहे हैं यही बता रहे हैं कि जो जंप है ना मतलब इंक्रीज हो गया फट्टे की वजह से, रीजन क्या फट्टे की वजह से है ना? हाँ सर, फट्टे की वजह से, फट्टे की वजह से सभी का लॉन्ग जंप मतलब अच्छा आ रहा है, 13 वाले भी 14-15 मार रहे हैं यानी। हाँ, तो आपने जो 27 में रनिंग थी आपकी, जी, तो रनिंग में क्या रहा मतलब आपके बैच में जो रनिंग थी क्या रिजल्ट रहा, रनिंग होम ग्राउंड की और यहाँ में क्या अंतर रहा? रनिंग यहाँ पे थोड़ा लगा कि जैसे मतलब सांस फूल रही और ऐसा, पर फिर भी हमने रखा कि हाँ भाई निकलना ही कैसे भी करके, एक ही बार है बस, 6 मिनट लगा दिया पूरा जोर और क्लियर कर लिया जुनून के साथ। वैसे यहाँ पर टाइमिंग कवर हो गई थी मेरी, यहाँ पर होम ग्राउंड टाइमिंग नहीं आ रही थी। अच्छा। और यहाँ पर आकर टाइमिंग आ गई थी, अच्छी यहाँ पर टाइमिंग आ गई, होम ग्राउंड नहीं थी मतलब टाइमिंग यहाँ पर, और आपकी जल्दी लग गई। अच्छा, यही मेरा आज ही रनिंग थी, 42 में से 21 लड़के ही पास हुए, 42 में से 21 रनिंग। और जो तुम्हारी लॉन्ग जंप हाई जंप, लॉन्ग जंप में मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक आखिरी तक 17 ही रह गए थे, 17 ही रह गए थे, यानी कि 40 में से 41 में से 40 में से 17 क्वालिफाई हुए हैं। आज की जो रनिंग वगैरह सब आपकी कंप्लीट हुई थी ब्रदर आपकी? जी हमारा वजीराबाद ग्राउंड नंबर 1 था। अच्छा। और हमारी बैच में 50 में से 29 लड़के पास हुए, 50 में से 29 जी। और मेरा टाइम वहाँ पर घर पे 5:55 आता था और यहाँ पे मेरा टाइम 5:35 आया है, 5:35 यानी कि 20 सेकंड लगभग जी। मैंने थर्ड में मारी थी मेरी फाइल में। अच्छा अच्छा जी। तो दोस्त ये बताना चाहेंगे कि जो आपकी जो पहले रनिंग हुई थी मतलब आपके जो आज लॉन्ग जंप हाई जंप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है जी, तो आपके ग्रुप में कितने स्टूडेंट थे? 50 का बेस था जिसमें से 29 रनिंग में पास हुए, फिर उसके बाद एक लॉन्ग जंप में निकल गया बाहर, फिर एक हाइट में निकल गया, तो टोटल 27 क्वालिफाई, दोनों का सेम ग्रुप था, सारे एक थर्ड बैच के थे। तो वहाँ पे जो हाइट को लेकर और चेस्ट को लेकर क्या प्रॉब्लम होने वाली है, क्या हाइट में थोड़ी सी छूट दी जा रही है या नहीं दी जा रही है, खींच के नापी जा रही है, कैसे किस तरीके से? सर हाइट में तो कुछ ज़्यादा छूट नहीं दी गई, हाइट में दी गई 0.1 0.2 लेकिन अगर मान लो आधा सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर हो तो फिर आधा 1 सेंटीमीटर कोई नहीं, 1 पॉइंट या 2 पॉइंट को एक बार कर सकते हैं मतलब। और चेस्ट को लेकर चेस्ट को इश्यू नहीं था, चेस्ट वाले को जिसका नहीं था उसको अंदर ले लिया गया, चेस्ट में कोई इतनी मतलब इश्यू नहीं है उसके मतलब, लिए उन्होंने मतलब कोऑपरेट किया और दंड बैठक और पुशअप्स वगैरह लगवाए, उसके बाद फिर उनका फिर से मेजरमेंट किया, मतलब कोऑपरेटिव स्टाफ अच्छे से हेल्प कर रहे हैं। चेस्ट अगर स्टूडेंट फिजिकल को लेकर घबरा रहे हैं तो वो अपने आए आराम से, बिल्कुल फिजिकल आसानी से दे सकते हैं। दोस्तों ये जो यहाँ पे आपने देखा होगा जो कुछ कहते हैं लोग कि मैं वो पी के दौड़ा, वो तो कुछ ऐसा एनर्जी ड्रिंक है क्या? नहीं, आपने नहीं, क्या तो ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी नेचुरल है, नेचुरल दौड़े मतलब हिम्मत जुनून के साथ में दौड़े हो आप तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जिन्होंने घर पे मेहनत की होगी उसने यहाँ क्वालिफाई कर लिया, जी जिसने मेहनत करी है क्वालिफाई कर लिया, तो इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, ग्राउंड बढ़िया है, तो स्टूडेंट जो पाँच में और 6 में आने वाले हैं उनके लिए कोई परेशानी नहीं है मतलब आसानी से कर सकते हैं फिजिकल। दोस्तों और कुछ अपनी तरफ से आप अपडेट देना चाहो जो स्टूडेंट रह गए हैं उनके लिए कुछ स्पेशल क्या करें वो मतलब कैसे फिजिकल देने जो आए? घबराए नहीं, बस डरना नहीं है, बस डायरेक्ट जीतना, डरना नहीं है, डर के आगे जीत, बस मन के अंदर ये होना चाहिए कि मैं क्वालिफाई करूंगा यानी कि अपना हौसला बनाए रखना, हौसला तोड़ दोगे तो आप अंदर नहीं कर पाओगे।
तो देखो दोस्तों, आपने सुना कि भाई ने किस तरीके से बताया, तो दोस्तों आपको हौसला बना के रखना है और अच्छे से अपने फिजिकल को देना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे और दोस्तों अपडेट अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, ओके ब्रो, ओके।